गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टूडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर एंड पीएच। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, दैट इज एसिड बेस इक्विलिब्रियम। सो वी नो दैट एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन दे डिसोशिएट कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन। सो दीज टाइप ऑफ एसिड्स विच डिसोशिएट कम्प्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, दीज एसिड्स आर नेम्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड द एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड विच डिसोशिएट ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन द एक्वा सोल्यूशन गिव्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन, एंड दीज टाइप ऑफ एसिड्स आर नेम्ड एज वीक एसिड। सिमिलरली द बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच डिसोशिएट कम्प्लीटली इन वॉटर आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड द बेसिस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच डिसोशिएट पार्शली इन एक्वा सोल्यूशन आर वीक बेस। ठीक है, एंड जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम अटेंड ओनली इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो डिसोसिएशन आपकी कंप्लीट हुई है। कंप्लीट के केस में रिएक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगी। रिएक्शन वीक एसिड एंड वीक बेसिस दे आर एबल टू पार्शली आयनाइज्ड, सो इन दिस केस रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। सो इक्विलिब्रियम ऑलवेज अटेंड इन केस ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, लाइक व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद वॉटर देन इट प्रोड्यूस्ड एसिटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, एंड द फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एसिटेट आयन एंड एच पॉजिटिव आयन इज वेरी हाई, सो दे फर्दर रिएक्ट टूगेदर एंड कन्वर्टेड इन टू देयर रिस्पेक्टिव एसिड। Similarly, ammonia when react with water, then it is present in equilibrium with its respective ion, that is ammonium ion and hydroxide ion. So, अब वीक एसिड और वीक बेस कंप्लीट डिसोसिएशन में नहीं जा पा रहे, तो टोटल मोल्स के कंपैरिजन में कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए या आयनाइज हुए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आयनाइज इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी हमने मॉलिक्यूल लिए कंप्लीट आयनाइज होंगे, सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड इज लेस एज कंपेरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, सो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोलवेंट, कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। एंड द डिग्री एंड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट इज जस्ट सिमिलर टू लाइक दैट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अब आपको आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस स्टडी करना है, तो वीक एसिड एंड वीक बेस आयनाइज होकर अपने पर्टिकुलर आयंस में कन्वर्ट होंगे, तो ये आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज ionized ions divided by unionized molecule. So if a weak acid is represented by the general symbol HA and when it dissociated in water, then the equilibrium is represented by the reaction HA plus water present in equilibrium with the respective ions, that is A negative ion and hydronium ion. And according to law of equilibrium, ionization constant is equal to concentration of product, that is concentration of hydronium ion and A negative ion divided by concentration of reactant, that is HA. Or concentration of water here taken as constant because water is present in large quantity. And this dissociation constant is फॉर एसिड, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के ए से, वेयर के ए रिप्रेजेंट द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर एसिड। इज इट क्लियर? सो वॉटर सोलवेंट है, इसकी कंसेंट्रेशन लार्ज है, सो इट रिमेन कॉन्स्टेंट।
ठीक है। और यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दिस इज दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। तो जो एच ए होगा डेट रिमेन वीक, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका नेगेटिव आयन होगा वो वीक एसिड का ही है। सो नोइंग द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड के ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एच ए एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और एच पॉजिटिव आयन, ठीक है, हम यहाँ से डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई भी इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं जनरली, ठीक है, आपको कोई भी वीक एसिड गिवन है, सबसे पहले आप उसकी वाटर के साथ इक्विलिब्रियम रिएक्शन मेंशन करोगे। लाइक अगर हमारे पास जनरल एसिड है एच ए, देन वी रिप्रेजेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है, लाइक एसिटिक एसिड है अगर आपके पास, एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद वाटर then it is present in equilibrium with acetate ion and hydronium ion. then you have mentioned initial concentration. if initial concentration of acid is C, अब initially है, अभी तक dissociation start नहीं हुआ, तो इसके respective ions की concentration zero. if at equilibrium, let us consider that at equilibrium x moles of acid are dissociated, तो final कितना बचा C minus x, ठीक है। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल्स में ये कैलकुलेट करोगे। अगर आपको गिवन है न्यूमेरिकल में लाइक 40% डिसोशिएटेड, 2 मोल्स हैं, 2 में से 40% डिसोशिएट हो गया, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन आप उसके अकॉर्डिंग मेंशन करोगे, ठीक है। 40% जो भी इनिशियल कंसेंट्रेशन है उसका 40% एक्स, और इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस एक्स करके आपकी इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन आ जाएगी वो वीक एसिड एंड द रिस्पेक्टिव आयंस, ठीक है। और ये जो वैल्यू है जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो वहां से आपका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो आयंस की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हमने एक्स कंसिडर की है, एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल एट इक्विलिब्रियम सी माइनस एक्स। सो फ्रॉम हियर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बिकम इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी माइनस एक्स। तो इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू द टोटल कंसेंट्रेशन, सो वी कैन नेग्लेक्ट एक्स एज कंपेरिजन टू टोटल कंसेंट्रेशन। और ये जनरली हम नेग्लेक्ट तभी करते हैं इफ डिसोसिएशन इज लेस देन 5%। अगर आपकी 5 या 5 से ज्यादा है, देन वी आर नॉट गोइंग टू नेग्लेक्ट एक्स एज कंपेरिजन टू टोटल कंसेंट्रेशन। तो इफ डिसोसिएशन इज लेस देन 5%, देन के ए बिकम इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय सी। सो फ्रॉम हेयर एक्स बिकम इक्वल टू अनरूट ऑफ के ए इंटू सी, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। जितने परसेंट वीक एसिड इक्विलिब्रियम पे डिसोशिएट हुआ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एंड अकॉर्डिंग टू ओसवर्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्फा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है। तो इफ एक्स मोल्स आर डिसोशिएटेड, हम एक्स ही कंसिडर कर रहे हैं, टोटल मोल के कंपेरिजन में आपकी कंसेंट्रेशन आएगी, तो यहां से एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल आ जाएगी, सी अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वी नो डेट एक्स के इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस या डिवाइडेड बाय सी माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू सी अल्फा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर सी माइनस सी अल्फा। कंसेंट्रेशन कॉमन लेंगे तो एक ऊपर भी सी की वैल्यू है, नीचे भी सी है, तो एक इनिशियल कंसेंट्रेशन कट हो जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, दैट इज व्हेन डिसोसिएशन इज लेस देन 5%, देन वी कैन नेग्लेक्ट अल्फा एज कंपेरिजन टू 1। सो इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बिकम इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू अनरूट ऑफ के ए बाय सी। सो वी कैन से दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। इज इट क्लियर? And from this, if we have to calculate ionic product of water, we know that water has a property to get self-ionized. When 2 moles of water react together, then they are converted into hydronium and OH negative ion. So from this equation,
वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बिकम इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड ओ एच नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ वॉटर. वी नो डैट वॉटर इज वेरी लार्ज इन अमाउंट, तो वॉटर की कंसेंट्रेशन को हम कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टू आ जाएगा. के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू ओ रेज द पावर टू इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू ओ एच नेगेटिव आयन. ठीक है, तो वाटर लार्ज है क्वांटिटी में, सो इट्स कंसेंट्रेशन इज टेकन एज कॉन्स्टेंट. तो जो कॉन्स्टेंट, टू कॉन्स्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के डब्ल्यू. के डब्ल्यू विच इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इट इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव आइन्स, दैट इज हाइड्रोनियम आयन एंड ओ एच नेगेटिव आयन. एंड फॉर प्योर वाटर we know that concentration of hydronium and hydrogen ion is equal. So for pure water kw value is equal to 1 into 10 raised to power minus 14. ठीक है, अब अगर ये value equal होगी तो यहाँ से hydronium ion concentration is equal to OH negative ion concentration. So we can say that hydronium ion concentration square is equal to 10 raised to power minus 14. So मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 7. सो फॉर प्योर वॉटर एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू ओ एच नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 7 मोलर. इज इट क्लियर? सो आयनिक प्रोडक्ट is constant at particular temperature, that is 298, and if we increase the temperature, dissociation of water increases, therefore ionic product also increases. Ye dhyan rakhna, ionic product increases with the increase of temperature and it remain constant at 298 Kelvin temperature, that is 1 into 10 raised to the power minus 14. Is it clear? नेक्स्ट द फैक्टर्स इफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. अब हमें पता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट. जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन हाई होगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू हाई होगी. सो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट डिफरेंट एसिड्स हैव डिफरेंट एसिड स्ट्रेंथ. सबके लिए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी या अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी. सो जितनी ज्यादा एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन हाई होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी. सो एन एसिड हैव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बिहेव एज स्ट्रोंगर एसिड. एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड. सो द एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिकली डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एंड एनायन बॉन्ड एंड द पोलैरिटी ऑफ एच ए बॉन्ड. अगर हम जनरल एसिड एच ए कंसिडर कर रहे हैं लाइक एच सी एल, एच एफ, एसिटिक एसिड, तो जो एच पॉजिटिव और उसके रिस्पेक्टिव आयन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और पोलैरिटी पे. अब हमें पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट होगा. जितना डिफिकल्ट बॉन्ड ब्रेक करना होगा, एच पॉजिटिव का रिमूवल उतना ही डिफिकल्ट होगा, एसिड उतना ही वीक होगा. ठीक है, और बॉन्ड जितना वीक होगा एच पॉजिटिव उतना इजिली रिलीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी. सो अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, सो द स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड डिक्रीजेस एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. सो इन केस ऑफ ग्रुप 17 हाइड्राइड लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज साइज इंक्रीजेस एंड बोन स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. ठीक है, एंड इन अ पीरियड, पीरियड में अब बोन जो साइज एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम है सबका, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए नेगेटिव आयन इंक्रीजेस. व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो जो एच ए बॉन्ड की पोलैरिटी है वो इंक्रीज होगी. पोलैरिटी इंक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. सो अलोंग अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम मिथेन टू अमोनिया टू वॉटर टू एच एफ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इंक्रीजेस. कार्बन टू नाइट्रोजन से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, हेंस पोलैरिटी ऑफ एच ए बॉन्ड इंक्रीजेस. इज इट क्लियर?
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज पीएच. पीएच इज यूज टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. सो जनरली टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, इट इज सफिशियंट टू एक्सप्रेस ओनली द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. जितना ज्यादा एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी और बेसिक स्ट्रेंथ लो होगी. सो सोरेनसन इन 1909 सजेस्टेड अ कन्वीनियंट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीएच. पीएच बेसिकली रिप्रेजेंट पोटेंस द हाइड्रोजन आयन, मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, इफ एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 10 डेज टू पावर माइनस एक्स, वेयर दिस एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पीएच वैल्यू. सो पीएच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ 10 दैट मस्ट बी रेज टू एक्सप्रेस द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. और यहाँ से अगर आपको पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है देन वी हैव टू अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड. तो जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन रेज द पावर माइनस एक्स एंड वी नो डेट लॉग एम रेज द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम. तो माइनस एक्स आगे आ जाएगा, ठीक है, या माइनस पी एच आगे आ जाएगा एंड लॉग टेन इज इक्वल टू वन. सो फ्रॉम हेयर पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन. सो पी एच ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. इज इट क्लियर? एंड फ्रॉम पी एच वैल्यू वी कैन डेवलप अ पी एच स्केल. पी एच स्केल रेंज इज टेकन एज 0 to 14 फॉर प्रैक्टिकल पर्पज. ठीक है, तो जहाँ पे पी एच वैल्यू 7 होगी, पी एच 7 रिप्रेजेंट एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन 10 raised to power -7. और अभी हमने किया फॉर प्योर वाटर एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन एंड ओ एच नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन बिकम इक्वल, डेट इज 10 raised to power -7. सो फॉर 7 pH represent a natural neutral solution when pH is less than 7. That means H positive ion concentration आपकी 10 raised to power -7 से कम होगी. तो negative में power जितनी कम होगी H positive ion concentration उतनी ज़्यादा high होगी. So when pH is less than 7 it represented acidic solution. When pH is greater than 7 that represent the low concentration of H positive ion, that means reaction solution is alkaline by nature. Is it clear? And what is the relation between pH and pOH? Like pH, pOH is negative log of OH negative ion concentration. We know that according to ionic product of water, concentration of hydronium ion into OH negative ion is equal to 10 raised to power -14. And by taking the logarithm of both sides, ठीक है, log m into n is equal to log m plus n. तो log of hydronium ion concentration plus log of OH negative ion concentration is equal to log of 10 raised to power -14. log 10 raised to power -14 अभी हमने किया, log m is equal log m raised to power n किसके इक्वल होगा, पावर आगे आ जाएगी n log m. ठीक है, तो -14 आगे आ गया log 10 इज इक्वल टू 1. सो इट बिकम -14. नेगेटिव साइन अगर आप इधर लेके आओगे बिकॉज पीएच इज नेगेटिव ऑफ log. ठीक है, तो माइनस log हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन माइनस log OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 14. माइनस log हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन इज पीएच एंड माइनस log OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट पीओएच. सो द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच is and this pH plus pOH is equal to 14. Is it clear? And next, what is the relation between dissociation constant of acid, dissociation constant of base and pKa or pKb value? Now we know that for acidic solution equation is HA plus water is formed, is present in equilibrium with hydronium ion and A negative ion and according to Bronsted acid. We know that अगर एच एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका जो रिस्पेक्टिव आयन होगा डेट बिहेव लाइक अ कंजुगेट बेस ऑफ डेट एसिड. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में एच ए रिलीज एच पॉजिटिव आयन एंड इन द बैकवर्ड रिएक्शन नाउ दिस ए नेगेटिव आयन एक्सेप्ट
एच पॉजिटिव आयन फ्रॉम द हाइड्रोनियम आयन एंड कन्वर्टेड इनटू इट्स अनायनाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए नाउ ए नेगेटिव आयन बिहेव लाइक अ बेस, तो बेस की इक्वेशन हम यही वाली लिख लेंगे जो बैकवर्ड में है। ठीक है, सो फॉर दिस एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस ओवरऑल इक्वेशन बिकम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द रिस्पेक्टिव आयन दैट इज हाइड्रोनियम आयन एंड ओ एच नेगेटिव आयन। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ से देखिए, अब आपको कैलकुलेट करना है रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी, डेट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस। अब देखो, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड किसके इक्वल होगा? फर्स्ट इक्वेशन के लिए के ए की वैल्यू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू ए नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाई मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए, बिकॉज यहाँ पे वॉटर प्रेजेंट इन लार्ज क्वान्टिटी, तो वॉटर को तो आप नेग्लेक्ट करके ही चलोगे। एंड द वैल्यू ऑफ के बी, के बी डेट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस, बेस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन। नाउ फॉर सेकेंड इक्वेशन एच ए एंड ओ एच नेगेटिव आयन एक्ट लाइक अ प्रोडक्ट, सो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस बिकम मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाई ए नेगेटिव आयन। नाउ वेन वी मल्टीप्लाई दीज टू डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए और के बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से देखो एसिड के साथ एसिड कट हो गया, ए नेगेटिव आयन के साथ ए नेगेटिव आयन कट हो गया, तो ये क्या बचा? एच पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन डैट इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर। So from here we can say that dissociation constant of acid into dissociation constant of its respective base is equal to the ionic product of water. ठीक है, ये रिलेशन तभी आएगा अगर जो हम बेस यूज कर रहे हैं, बेस इज द कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड। ठीक है, जिसके लिए, जिस एसिड के लिए आपने के ए की वैल्यू ली है, बेस की जो बेस की इक्वेशन है वो हम उसके कंजुगेट बेस के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं। नाउ वेन वी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, जब हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, सो लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग के ए प्लस लॉग के बी, बिकॉज लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस एन। ठीक है, लॉग के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग अगर डिवाइडेड में है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन अगर पावर में है जो हम करते आ रहे हैं, तो पावर आपकी आगे आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब हमें पता है लाइक डेट ऑफ पीएच, पीएच की वैल्यू क्या थी? माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन इसके कोरिस्पोंडिंग पीओएच, माइनस लॉग ओएच नेगेटिव आयन। अब यहां से आपको पीके और पीके भी निकालना है, तो इसी के कोरिस्पोंडिंग पीके ए क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के ए एंड पीके बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। तो इस इक्वेशन को आपने पीके और पीके बी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, सो अप्लाई नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स, सो इट बिकम नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ के बी। तो माइनस लॉग ऑफ के ए डैट इज पी के ए माइनस लॉग ऑफ के बी डैट इज पी के बी, सो एंड माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू डैट इज पी के डब्ल्यू। तो पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, और पी के डब्ल्यू की के डब्ल्यू की वैल्यू अब हमें पता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 14। तो 10 की पावर, पावर में पावर आगे आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो इट बिकम 14, लॉग 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो द रिलेशन बिटवीन के ए पी के ए एंड पी के बी वैल्यू इज पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 और पी के डब्ल्यू। इज इट क्लियर? Now we know that now pH is used to measure the strength of weak acids and weak bases. Now what are the limitations of pH scale? pH value of solution does not give the exact idea of their relative strength. ठीक है, पी एच वैल्यू से हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता चलेगा। लाइक अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन है 10 रेज टू पावर माइनस 1 एंड फॉर द अनदर सॉल्यूशन हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन इज 10 रेज टू पावर माइनस 3। सो फॉर दिस पीएच वैल्यू, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू 1 है, सेकंड के लिए पीएच वैल्यू 3। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस जो सेकंड सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन की पीएच 3 टाइम्स हाई है
एज कंपेरिजन टू फर्स्ट सोल्यूशन. ठीक है, थ्री टाइम्स हाई है तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज लेस एज कंपेरिजन टू फर्स्ट सोल्यूशन बिकॉज वी नो डैट पी एच इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पी एच की वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से वी कैन सजेस्टेड डैट फर्स्ट सोल्यूशन इज थ्री टाइम मोर स्ट्रोंगर एज कंपेरिजन टू द सेकेंड सोल्यूशन. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन पे. अब फॉर फर्स्ट सोल्यूशन एच पॉजिटिव आयन 1/10 एंड सेकेंड सोल्यूशन के लिए एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इज 1/1000. तो जब हम दोनों की एच पॉजिटिव आयन स्ट्रेंथ को डिवाइड करेंगे सो फर्स्ट सोल्यूशन बिकम 100 टाइम्स मोर स्ट्रोंगर एज कंपेरिजन टू सेकेंड सोल्यूशन, नॉट थ्री टाइम. तो पी एच की वैल्यू से हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं कैलकुलेट कर सकते अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. एंड हाउ टू मेजर पी एच, नाउ टू द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पी एच, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पी एच मीटर. ठीक है, पी एच मीटर और पी एच कलर के बेस पे भी हम एक आइडिया ले सकते हैं. और जो कलर चेंज का आएगा न्यूट्रल पे, पी एच पेपर हम यूज करते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए. पी एच पेपर का कलर आपका ग्रीन, एंड फॉर एसिडिक सोल्यूशन जो पी एच पेपर है वो आपका रेडिश टोन में होगा. जितना ज्यादा डार्क रेड होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी. और फॉर वेन पी एच इज ग्रेटर देन 7, तो जो पी एच पेपर में कलर आएगा डेट शो ब्लूश कलर. जितना ज्यादा डार्क ब्लू कलर होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हाई होगी. एंड द न्यूमेरिकल्स, इज इट क्लियर? एंड द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पी एच एंड द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.